Like a Hellcat. एपिसोड के स्टार्टिंग में सीना में लिनहैंग का दिखाया जाता है जो कहता है काफी देर हो चुकी है इसलिए यहाँ टैक्सी मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा इसलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। शेन कहता है मैं यहाँ अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ। तभी लिनहैंग कहता है क्या तुम दोनों एक साथ रहते हो। श्यामू कहती है हाँ लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तभी शेन बीच में आते हुए कहता है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तभी लिन को गुस्सा आ जाता है वो कहता है नहीं आज का दिन मेरा काफी अच्छा था चलो अगली बार भी हम कहीं बाहर चलेंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसके जाते ही शेन श्यामू से कहता है क्या ये तुम फिर से करने वाली हो। श्यामू कहती है नहीं मैं बस उसके साथ अच्छे से बात कर रही थी। तभी शेन कहता है तो तुम ऐसा सोचती हो पर जरूरी नहीं है कि दूसरा भी ऐसा ही सोचे। श्यामू कहती है तुम्हें उसके साथ दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है मैं बस उसे एक आइडल की तरह मानती हूँ इसलिए उसकी तारीफ करती हूँ। शेन कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने हमें उकसाया वो भी तुम्हें कन्फेस करके। श्यामू कहती है हाँ लेकिन। तभी वो कहती है जरा रुको तुम्हें कैसे पता चला। तभी शेन बात को बदलते हुए कहता है सनलाइट अभी तक क्यों नहीं आया। तभी श्यामू उसके पीछे आते हुए कहती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ सैन जूनियर। एक छोटी सी लड़की शेन के पास आ जाती है जिसे देखकर शेन कहता है अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी वो लड़की इशारा करते हुए कहती है मैं बात नहीं कर सकती और ना ही सुन सकती हूँ। लेकिन शेन को कुछ समझ नहीं आता लेकिन श्यामू को उसकी बातें समझ में आ जाती है। तभी श्यामू उसे इशारा करते हुए कहती है तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो। तभी वो लड़की इशारा करते हुए कहती है मैं अपनी माँ से अलग हो गई हूँ और उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तभी श्यामू कहते हैं चिंता मत करो हम बुरे इंसान नहीं हैं। क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम का नंबर याद है। तभी वो लड़की श्यामू के फोन में उसकी मॉम का फोन नंबर लगा देती है। तभी श्यामू उसकी मॉम को कॉल करके उसे बता देती है कि आपकी बच्ची हमारे पास है। तभी शेन श्यामू से कहता है तुमने उससे क्या कहा। तभी श्यामू कहते हैं मैंने उससे कहा कि डरो मत हम बुरे लोग नहीं हैं जब तक उसकी मॉम यहाँ नहीं आ जाती मैं यहीं पर उसके साथ रुकूंगी। अब सिन टैंक का दिखाया जाता है जो कि घर की लाइट्स ऑफ कर देती है और सिन जिंग के पास आके कहती है लगता है लाइट चली गई है और मुझे काफी डर लग रहा है। सिन जिंग कहता है कोई बात नहीं मैं जाकर लाइट चालू करता हूँ। तभी जैसे ही वो हॉल में जाता है वहाँ पर एक केक रखा हुआ था जिस पर कैंडल जल रही थी। तभी टैंक उसे कहती है हैप्पी बर्थडे सिन जिंग जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है थैंक यू। तभी टैंक कहती है आई होप कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं चलो अब तुम अपनी विश मांगो। तभी शेन जिंग विश मांगता है और कैंडल ब्लो करता है। वही सीन हमें शेन का दिखाया जाता है जो श्यामू से कहता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ तुम्हें साइन लैंग्वेज कैसे आती है। श्यामू कहती है क्योंकि मैं एक वॉलंटियर थी मैं ऐसे लोगों की मदद करती थी जो सुन नहीं सकते और अब अगर तुम्हें और कुछ नहीं पूछना है तो क्या मैं जाकर सो सकती हूँ। शेन कहता है हाँ। सिन शेन का दिखाया जाता है जो कि T6 रोबोट बनाने के बारे में सोच रहा था जो कि ऐसे लोगों की मदद करने वाला था जो बोल नहीं सकते। ये सुनकर डैनिका कहती है क्या ग्रैंडपा इसके लिए सहमत होंगे। शेन कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं मैं उन्हें अपने आप बता दूंगा। अब सिन ग्रैंडपा का दिखाया जाता है जो कि ट्रांसफर लेटर लिख रहे थे। तभी मिस्टर वांग वहाँ आ जाते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं मैं अपने ग्रैंडडॉटर इन लॉ को ट्रांसफर कर रहा हूँ कैंडी में से स्टैनटेक में। तभी वांग लेटर देखकर कहता है ये काफी अच्छा लिखा है इसे देखकर मैं नहीं बता सकता कि यह आपने अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से किया है। तभी थोड़ी देर में डैनिका भी वहाँ आ जाती है। मिस्टर सन न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी लोगों की मदद करने के लिए। ग्रैंडपा कहते हैं किस तरह के लोग। तभी डैनिका कहते हैं डिसेबल कम्युनिटी के लोगों के लिए जिसे सुनकर ग्रैंडपा को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वो एक इंसान को डांट रहे थे जो कि श्यामू के फादर थे और वो चाहते थे कि रोबोट से लोगों की मदद की जाए लेकिन ग्रैंडपा उनके अगेंस्ट थे क्योंकि वो सिर्फ रोबोट से प्रॉफिट कमाना चाहते थे जिसकी वजह से श्यामू के फादर अपने जॉब छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सोचकर प्रेजेंट में ग्रैंडपा कहते हैं मैंने उसे असिस्टिव रोबोट को डेवलप करने की परमिशन नहीं दी क्या मैं गलत था। अब सिन श्यामू का दिखाया जाता है जिसके फोन में ट्रांसफर लेटर आ चुका था इसे देखकर वो शेन के पास आती है और कहती है देखो मुझे ये मिला है। शेन कहते हैं प्रोफेशनल ट्रांसफर। श्यामू कहते हैं मैं अभी अभी कैंडी में आई हूँ और मैंने अभी तक एक ही प्रोजेक्ट पूरा किया है और मुझे तुम्हारी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया है मैं सिर्फ एक वीडियो एडिटर हूँ मुझे नहीं पता कि रोबोट्स को प्रमोट कैसे करना है। तभी शेन कहता है ये ट्रांसफर लेटर मेरे ग्रैंडपा ने बनाया है। तभी श्यामू कहते हैं क्या ग्रैंडपा कैंडी में काम करना मेरा एक सपना था मुझे नहीं पता था कि मेरा सपना इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी शेन कहता है चिंता मत करो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा और तुम्हें फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। श्यामू कहते हैं क्या सच में तो प्रॉमिस करो और तुम इसे वापस नहीं लोगे। अब सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ शेन सनलाइट से कहता है नाश्ता करने के बाद श्यामू को कंपनी ले जाना
आज से वो भी हमारे साथ काम करेगी। इसे सुनकर सनलाइट कहता है सिस्टर स्टैनटेक में काम करेगी। श्यामा कहती है हाँ ये एक नॉर्मल प्रोफेशनल ट्रांसफर है, आज तुम्हें मुझे कंपनी ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले कैंडी जाकर अपना काम खत्म करके आऊंगी। तभी वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं, जिसे देखकर श्यामा कहती है ग्रैंडपा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं मैंने सुना है कि कैंडी के सीईओ ने तुम्हें ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कम्फर्ट करने के लिए आया था ताकि तुम ज्यादा परेशान ना हो। श्यामा कहते हैं नहीं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं अच्छी बात है। तभी श्यामा कहते हैं ठीक है ग्रैंडपा मुझे अपना काम पूरा करने के लिए कैंडी जाना है। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है जाओ। सिन ग्रैंडपा का दिखाया जाता है जो कि कुछ ढूंढ रहे थे और कहते हैं यहाँ तो कोई भी लड़कियों के कपड़े नहीं है। तभी शैन कहते हैं आप क्या ढूंढ रहे हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, तुम बिना किसी वजह से उसके साथ कैसे रह सकते हो, इसीलिए इस बारे में कैसा है तुम और श्यामा दोनों शादी कर लो। तभी शैन कहता है ग्रैंडपा हम सिर्फ 3 महीने के लिए साथ में हैं और ऐसा करना काफी जल्दबाजी हो जाएगा। तभी ग्रैंडपा कहते हैं इसमें क्या गलत है, क्या तुम चाहते हो कि 3 महीने बाद वो तुमसे डेट करे या फिर तुम्हें छोड़कर चली जाए। शैन कहता है मेरा वो मतलब नहीं है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं तो जाओ उसके पीछे कैंडी और उसे बता दो जो मैंने तुमसे कहा कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। अब सिन श्यामा का दिखाया जाता है जो कि अपने कलीग्स को बाय कहने के लिए आई थी। तभी दो पुलिसमैन डायरेक्टर के ऑफिस में जाते हैं, डायरेक्टर को पकड़कर बाहर ले आते हैं। तभी श्यामा कहती है डायरेक्टर, तभी डायरेक्टर श्यामा से माफी मांगती है और पुलिसमैन के साथ वहां से चली जाती है। सीन में शैन का दिखाया जाता है जो कि खड़ा था, तभी सनलाइट उसके पास आता है और कहता है क्या ग्रैंडपा ने आपसे कुछ कहा। शैन कहता है कुछ नहीं। सनलाइट कहता है आपका दिल जोरों से धड़क रहा है, क्या ग्रैंडपा ने आपकी और सिस्टर की मैरिज डेट फिक्स कर दी। तभी शैन कहता है गैस करना बंद करो। तभी सनलाइट आइसक्रीम दिखाते हुए कहता है ये मैं अपने लिए नहीं लाया हूँ, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। शैन कहता है मुझे नहीं चाहिए। सनलाइट कहता है मैं ये आपको खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जब सिस्टर बाहर आएगी तो उनका मूड भी खराब होगा, इसलिए आप उन्हें दे देना। शैन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी श्यामा बाहर आती है, जिसे देखकर शैन आइसक्रीम लेकर उसके पास जाता है और कहता है अपना सामान मुझे दे दो और ये खा लो और चलो यहाँ से चलते हैं। तभी सीन हमें स्टैंड डेक का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग श्यामा के बारे में बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि वो काफी कैपेबल होगी इसलिए उसे हमारी कंपनी में ट्रांसफर मिला, और कोई कह रहा था कि वो काफी पैसे वाली होगी इसलिए उसे हमारी कंपनी में ट्रांसफर मिला। लेकिन ये सारी बात शैन श्यामा और सनलाइट और सिंचिंग भी सुन रहे थे। जैसे ही उन लोगों की नज़र उन पर पड़ती है सारे शांत हो जाते हैं और अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी वो लोग अंदर जाते हैं। तभी शैन श्यामा से कहता है घबराओ मत, तुम जैसे कैंडी में काम कर रही थी बिल्कुल ऐसे ही काम करना है। तभी शैन सिंचिंग से कहता है पिछली बार हमने जो टीम तैयार की थी उसका चार्ज कौन था। तभी सिंचिंग कहता है अभी तक हमने तैयारी शुरू नहीं की है, अगर मिस श्यामा फ्री है तो वो ये काम कर सकती है। तभी शैन कहता है ठीक है। तभी श्यामा कहती है टीम को तैयार करना, लेकिन स्टैनटेक में तो सैकड़ों लोग हैं, मैं इसकी चार्ज नहीं रह सकती। तभी सिंचिंग कहता है टीम के अपने बेस है, तुमने अभी जिन लोगों को देखा है तुम्हें बस उन्हीं को तैयार करना है। श्यामा कहती है ठीक है। तभी सैन सनलाइट से कहता है अपने सिस्टर को टीम के बारे में अच्छे से समझा देना, मुझे सिंचिंग से कुछ बात करनी है। सनलाइट कहता है ठीक है भाई। सिन शिनजिंग का दिखाया जाता है जो कहता है मिस्टर सन आपने मुझे क्यों बुलाया। शैन कहता है पिछली बार तुमने जो रिपोर्ट लिखी थी वो पूरी नहीं थी इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। शिनजिंग कहता है अच्छा ऐसा है। तभी शैन कहता है वैसे तुमने नए कपड़े क्यों पहने हैं, कल मेरा बर्थडे था इसलिए तैंग ने मुझे ये दिया। तभी शिनजिंग कहता है मिस्टर सन कैसा रहेगा अगर मैं एक डिटेल में रिपोर्ट लिखूं जिसे आप बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। शैन कहता है बहुत अच्छा। तभी शिनजिंग कहता है लेकिन श्यामा स्टैनटेक आ गई है इसलिए आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। शैन कहता है ये इतना आसान नहीं है। सिन श्यामा का दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने कलीग से मदद मांग रही थी लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था और ऊपर से उसे ताना मार रहे थे, हम छोटे एम्प्लॉय है हम आपका बड़ा काम नहीं कर सकते। ये सुनकर सनलाइट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुम लोग नहीं कर सकते तो शांत हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ सिंचिंग कहता है लेकिन मैंने सुना है कि वो श्यामा भी आपको पसंद करती है। शैन कहता है क्या। तभी सिंचिंग कहता है कल श्यामा और तैंग दोनों बातें कर रहे थे और उसने कहा कि वो तुम्हें परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहती और उसे डर है कि कहीं तुम गुस्सा हो जाओगे। इसके अलावा जब तैंग ने श्यामा से पूछा कि क्या वो तुम्हें पसंद करती है तब उसने कुछ नहीं बोला और शांत हो गई। तभी शैन कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे पसंद करती है। तभी सिंचिंग कहता है मैं सलाह देता हूँ कि आपको कोशिश करनी चाहिए और उसका पता लगाना चाहिए, अगर वो भी आपसे प्यार करती होगी तो आप दोनों एक साथ रह सकते हैं। तभी शैन उसकी बातें सुनकर वहाँ से जाता है। सिन शैन का दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़े होकर श्यामा का इंतजार कर रहा था और उसे कन्फेस करने की प्रैक्टिस कर रहा था।
तभी शाम वो बाहर आती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी शान कहता है, मेरी एक मीटिंग है इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था। जिसे सुनकर शाम वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शैन उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है और कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जब मैंने तुम्हें पहली बार किस किया था तब मैं इम्पल्सिव नहीं था, मैं था। तभी वो अपने मन में सोचता है और कहता है, मैं भूल गया। तभी शैन कहता है, तो क्या तुम्हें समझ में आया? मेरा मतलब है, मेरे अंदर सिक्योरिटी सेंस नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि अगर ये ठीक है दो लोगों के साथ में रहने के लिए, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगी? श्यामो कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी शैन वहाँ से भाग जाता है। तभी श्यामो बाहर आती है और सनलाइट को साइड में ले जाकर पूछती है कि आज तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत हुआ है। सनलाइट कहता है, पर ऐसा क्यों? तभी श्यामो कहती है, उसने मुझे आज कहा एक साथ रहना लाइफ टाइम की बात है, वो उसे ले नहीं सकता अगर दूसरा सोचता है कि ब्रेकअप करना ठीक है। सनलाइट कहता है, तो प्रॉब्लम क्या है? उसने मुझे पूछा कि क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ और मैंने कहा नहीं कर सकती। तब वो काफी निराश लग रहा था और वहाँ से भाग गया। वही सीन हमें शैन का दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे बैठा था। तभी रेनिका वहाँ आती है और कहती है, दो अनजान लोग गेट पर आए हैं और काफी देर से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, क्या मैं पुलिस को कॉल करूँ? तभी शैन कहता है, डेनिका B4 के सभी रास्ते बंद कर दो। तभी वो घर के बाहर जाता है और उन दोनों से कहता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तभी श्यामो की मॉम कहती है, मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए आई हूँ। शैन कहता है, आपकी बेटी? श्यामो की मॉम कहती है, हाँ मेरी बेटी श्यामो, वो यहीं पर रहती है, लेकिन तुम कौन हो? तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।